तो आसिफ साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूं और आप मुझे बताइए कि आखिरकार सीबीआई जांच को लेकर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से? सर, कि आप लोग नहीं चाहते सच सामने आए? बिना दबाव के आप लोग सीबीआई को काम क्यों नहीं करने दे रहे? तो आसिफ रहमान, रोमाना जी, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। और आप देखिए, यही सवाल तो हम 9 से 10 11 तारीख को भी कर रहे थे कि कोलकाता पुलिस को अगर अपना काम करने आप देती तो जैसे 6 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी पकड़ा गया था उसमें भी कुछ ना कुछ इजाफा होता, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स आता। बट ये बहुत सेंसिटिव मामला है रोमाना जी, इट्स अ हीनियस क्राइम और इसमें ब्लेम गेम बाउट अबाउटरी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता और जो उनके जो वकील है उनकी बात भी सुन रहा था। आप देखिए, उन्होंने अज्यूम किया है कि वहां मर्डर ही नहीं हुआ है, मर्डर और रेप कहीं और हुआ है, आरजीकर में वहां ले जाकर बॉडी रखा गया है। आप इसका रिपरकशन समझ सकती हैं कि अगर ये बात वापस से अगर फैल रही है और नेशनल चैनल में डिस्कशन हो रहा है, इसका रिपरकशन बहुत खराब हो सकता है। वापस से जो अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, द प्रोटेस्ट इज ब्यूटिफुल, उस प्रोटेस्ट को कभी बंद ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल वैलिड है, हर एक बात वैलिड है जो स्टूडेंट्स अपना जो डिमांड रख रहे हैं। मगर उसी प्रोटेस्ट के बीच में ये गुंडे जो मौका का फायदा उठा लेंगे, आप इसमें क्या कर सकती हैं बताइए? हम इसमें हेल्पलेस हो जाएंगे। अब अगर पुलिस लाठी चार्ज करता है किसी के ऊपर और 14 तारीख के रात को अगर लाठी चार्ज करता उन 25 से 30 लोगों के ऊपर, रोमाना, तो फिर वही बात होती कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया कॉमनर्स के ऊपर, तो चट भी आपका, पट भी आपका, सिक्योरिटी लैप्स हो सकती है, आपका पट भी आपका, तो बात की बात है। पहली बात तो ये है सर कि आप लोग सीबीआई जांच को लेकर ये दबाव क्यों बना रहे हैं, जैसे को तैसा, चटपट तो छोड़िए सर, आप लोग तो यहाँ पर 9 और 10 का जो मुझे मिसाल देकर आपने अपनी बात शुरू की है, तो मतलब जैसे को तैसा। लेकिन सर, यहाँ जैसे को तैसा वाले हालात हैं नहीं ना सर, यहाँ सवाल जो है उसके कटघरे में सर आपकी कोलकाता पुलिस खड़ी हुई नजर आती है। वो कोलकाता पुलिस सर जिसको हाईकोर्ट से भी एक तरीके से फटकार पड़ती है ये कहते हुए कि आपने सीधे हत्या का मामला क्यों दर्ज नहीं किया, क्यों आपने इसको अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया। और मेरा कहना बस इतना है, आप खुद ही कह रहे हैं बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ये मामला है क्या सर, इसको लेकर भी कई सवाल है। ये ड्रग रैकेट है, ये सेक्स रैकेट है, ये ऑर्गन रैकेट है, ये सिंपल रेप और मर्डर का मामला है, इतनी बर्बरता एक डॉक्टर बिटिया के साथ क्यों हुई, ये सच तो सामने आएगा ना, तो सीबीआई को काम क्यों नहीं करने दे रहे, डर रहे हैं क्या सच से? नहीं रोमाना जी, देखिए ये आप कह रही हैं, आपके मुंह से निकल रहा है कि हम डर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अपनी एक बहन और बेटी खो दी, अब उसमें जो ये पॉलिटिकल स्टैंड चल रहा है उसमें तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा, वो तो ऊपर वाला बैठा है सब देखने के लिए। अब आप कह रही हैं वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था, क्या चल रहा था, वो मीडिया ट्रायल के हिसाब से हो रहा है। आप देखिए, जब पोस्टमार्टम हो रहा था, इनक्वेस्ट, पोस्टमार्टम इनक्वेस्ट माँ बाप के सामने हुआ, जुडिशरी के सामने हुआ, ठीक है, वहां पे स्पर्श पर सब कुछ लिखा गया है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे तो अभी ये बात समझ में नहीं आया कि ये अननेचुरल डेथ या ये कहां लिखा हुआ है। वहां तो पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ है कि गला घोट कर और स्ट्रैंगल और बहुत सारी मेडिकल टर्म्स में ये तो साफ लिखा हुआ है कि रेप और मर्डर का केस है। ये बात कहां से अब नहीं आ गई कि वो अननेचुरल डेथ है, कि इसको देखा नहीं गया था। ये देखिए बहुत सेंसिटिव चीज को इनसेंसिटिव किया जा रहा है और ये हाईकोर्ट ने पूछा था सवाल कि शुरुआती जांच में ही हत्या का मामला दर्ज करके इसमें जांच क्यों नहीं शुरू की, आपको पता है मैम? और सर शुरुआत में जो आप कह रहे हैं कि रेप और मर्डर की बात, सर वो जो कॉलेज है ना, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और फौरन आपकी टीएमसी सरकार ने उसी प्रिंसिपल को दूसरी जगह और बढ़िया जगह पोस्टिंग दे दी सर, उसी कॉलेज की तरफ से परिवार वालों को यह बताया गया था पहले कि आपकी बेटी बीमार है, फिर का उसने सुसाइड कर लिया, उन लोगों को नहीं नजर आ रहा था सर, जबकि वहां सब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बीच में वो शव मिला था और तब भी वो लोग ये नहीं कह पा रहे थे कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या हो गई, ये जानकारी तो परिवार वालों को दी है। और आप यहाँ पर बैठकर जो बात कर रहे हैं सर, एक सेकंड, आपने यहाँ पर जो सवाल उठाया कि कहाँ से आ जाती हैं ये बातें सिर्फ सियासी तौर पर फायदा लेने के लिए किया, तो इसका जवाब राधिका खेड़ा देंगी। राधिका खेड़ा, नहीं मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए ना रोमाना जी, आप अभी बोल दी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर राधिका जी अपना पक्ष रखेंगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात जो आ रहा है कि पीजी वहां से आरजीकर से कॉल जो गया था, तो क्या आपने देखा कि किसी ने समर्थन किया? वो तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। और उसी रात को 5 बजे शाम में अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी का एक लेटर आरजीकर में गया था कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई
अगर कल को आती है तो हर एक इंसान को ग्रिल किया जाएगा, एक इंसान भी छूटना नहीं चाहिए और आप सबको कॉपरेट किया जाएगा। ये आपको तो किसी ने बताया नहीं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये लेटर जा चुका है। सर मुझे तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि अभी तक उस इलाके के अंदर कितने पुलिस वाले हैं जिन्हें निलंबित किया गया इस लापरवाही के लिए, कितने कॉलेज प्रशासन के लोग जिन पर एक्शन हुआ, जिन पर कार्रवाई हुई सर इस तरीके की लापरवाही के लिए, मुझे तो सर ये भी नहीं पता। लेकिन आपको भी बहुत कुछ नहीं पता जो आपको भी पता होना चाहिए सर। जैसे आपको ये भी नहीं पता था कि खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सीधे हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, और आपको जो जो जानना चाहिए अब जरा वो सुनिए आप शांति से बैठकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।